हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शूटिंग विद पूजा। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ऑमलेट की रेसिपी, ऑमलेट जो कि बनेगा विदाउट एग। क्यों, चौंक गए ना? बिल्कुल, आप भी बना सकते हैं ऑमलेट बट बिना अंडे के। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल कुकिंग शूकिंग विद पूजा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन। अगर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये 250 ग्राम बेसन है। नॉर्मल मोटा वाला बेसन मैंने यूज़ किया है। 1/3 कप मैदा, वेट के अकॉर्डिंग 85 ग्राम्स, आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 बड़े चम्मच। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ अनियन, बारीक कटा हुआ धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच ऑयल इसे बनाने के लिए, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैंने नहीं लिया है, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बेकिंग पाउडर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ, बेकिंग पाउडर मार्केट में इस तरीके की पैकिंग में अवेलेबल होता है, और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल, और बाउल में डालेंगे वो सारा बेसन, 1 कप बेसन। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो हमने लिया था, 1/3 कप मैदा, और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे। मैदा और बेसन का कॉम्बिनेशन जो है वो इसको बहुत सुपर सॉफ्ट बनाएगा। हमने लिया है 1/2 कप पानी। पानी इससे कम या ज़्यादा लग सकता है, बट इसकी कंसिस्टेंसी हमने एकदम पतली रखनी है। ये जो बैटर हमने बनाना है काफ़ी पतला बनाना है। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे। अगर आप इसे मोटा रखेंगे तो ये बिल्कुल चीले जैसा लगेगा, लेकिन हम क्योंकि बिना अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं इसलिए हमें इसे काफ़ी पतला रखना है। देखिए मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ, इतना पतला रखना है। इसमें डालेंगे हम ये फाइनली चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली और हरा धनिया। आप चाहें तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं, बट क्योंकि मैं बिल्कुल इसे स्ट्रीट फूड की तरह बना रही हूँ, जो लोग प्याज और हरी मिर्च डालकर बनाते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर एकदम रेडी है ऑमलेट बनाने के लिए। तो चलिए फिर ऑमलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर रखिए एक पैन, और इसे थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। अब पैन हल्का गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे नॉनस्टिक पैन पे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम अपना बैटर, और इसे इस तरीके से फैला लेंगे बिल्कुल राउंड शेप में। वाओ, लुक्स ऑसम। आपने इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर पकाने से इसमें जो बबल्स आएंगे, जो कि बेकिंग पाउडर की वजह से आएंगे, तो वो फूटेंगे नहीं, और ये बिल्कुल ऑमलेट वाला लुक देगा। आप इसका लुक देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल ऑमलेट की तरह लग रहा है। फ्रेंड्स, इसे बनने में सिर्फ 1 से 2 मिनट लगते हैं, और ये इतना टेस्टी बनता है। अब हम इसे एक साइड से पलट देंगे और दूसरी साइड से सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना बिल्कुल ऑमलेट। अब 1 मिनट बाद ये दूसरी तरफ से भी सिक चुका है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे ऑमलेट रेडी कर लेंगे।
दोस्तों आप इस बिना अंडे के ऑमलेट को रेड चिली या ग्रीन चिली सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा। गाइस मैं थोड़ा सा तोड़ के आपको इसका सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सॉफ्ट और यम्मी। ओ माय गॉड कितनी इजीली ये टूट जा रहा है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली रेसिपीज़ वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तब तक देखते रहिए कुकिंग शुकिंग विद पूजा। बाय बाय, टेक केयर।